के लिए राष्ट्रपति नजरबायेव को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए तथा कॉन्फ्रेंस के एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैं राष्ट्रपति नजरबायेव का अभिनंदन करता हूं। क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांति तथा सुरक्षा का एक मुख्य स्तंभ है। भारत 12 साल की ऑब्जर्वरशिप के बाद आज SCO की सदस्यता ग्रहण करेगा। हमारी सदस्यता के समर्थन के लिए मैं SCO के सभी देशों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सदस्यता की एक्सपांशन के बाद SCO विश्व की लगभग 42% जनसंख्या, 20% GDP तथा 22% भूभाग को रिप्रेजेंट करेगी। अतः SCO की प्रगति विश्व के विशाल जनमानस तथा भूभाग की उन्नति के लिए है। यह सही है कि सदस्यता हमें आज मिल रही है, किंतु आप सभी देशों के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं। परस्पर विश्वास तथा सद्भावना हमारे राजनैतिक तथा आर्थिक सहयोग की मुख्य आधारशिला है। SCO देशों में हमारी सहभागिता के कई आयाम हैं: ऊर्जा, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सुरक्षा, मिनरल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड तथा इन्वेस्टमेंट इसके प्रमुख ड्राइवर्स हैं। भारत की SCO की सदस्यता निश्चय ही हमारे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। SCO देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तथा चाहबार एग्रीमेंट से हमारा जुड़ना और अस्काबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का हमारा निर्णय भारत को इस क्षेत्र से और अधिक घनिष्ठ रूप से जोड़ेगा। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष SCO के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। इस संदर्भ में SCO द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत SCO सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी SCO के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण बदलाव की समस्या पर भी SCO अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस संदर्भ में अस्ताना एक्सपो 2017 में फ्यूचर एनर्जी को थीम चुने जाने पर मैं कजाकिस्तान को और राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन देता हूं। आज SCO की जर्नी में एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत SCO के साथ
एक सक्रिय तथा सकारात्मक सहभागिता की रचना के लिए तैयार तथा कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति नजरबायो का इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ राष्ट्रपति शी चिनपिंग को चीन की आने वाली एससीओ की अध्यक्षता की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।